Everyone, welcome to our channel. I am your English teacher Rekha Phula. Today in this class we will discuss about bringing up Gary. Seventh class का chapter है ये, second chapter an alien hand का. इससे पहले हमने chapter डाला है, वो आप description box से देख सकते हैं. और please like, share and subscribe my channel. एक like से और एक share से हमें motivation मिलता है, क्योंकि shares करने से क्या होता है कि सभी तक हमारी जो video पहुँच जाएंगे सभी इसका लाभ उठा सकेंगे. हम आपके साथ इसीलिए जुड़े हुए हैं कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लॉकडाउन के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें और अपनी स्टडी जो है प्रॉपर तरीके से कर सकें. सो लेट्स गेट स्टार्ट. पढ़ते हैं. कैरी द एलिफेंट वाज 5 months old व्हेन ही वाज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ. यानी कि कैरी जो है 5 माह का था जब मुझे उसको सेवा करने के लिए, उसको पालने के लिए दिया गया था. आई वॉज 9 years old एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिप टो. यानी कि मैं 9 साल का था और जब मैं उसकी पीठ तक पहुंचा तो अपने पंजों पर खड़ा होकर के उसकी पीठ तक पहुंच सकता था. ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 ईयर्स. मैंने उसको 2 साल तक ऐसे ही बढ़ते हुए देखा, इतना ही देखा. वी ग्री टूगेदर, हम एक साथ बढ़ रहे थे. दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टाल ही वॉज. लेकिन मैं पता नहीं लगा पाया कि यह इतना लंबा था. ठीक है. ही लिव्ड इन ए पैवेलियन, पंडाल में रहता था और अंडर अ थैल रूफ विच रेस्टेड ऑन थ्री स्टम्प्स सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन वेन कैरी पम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड आउट. यानी कि वह पंडाल की जो छत है ना, वो घास फूस की बनी, जिसे कहते हैं ना उसको झोपड़ी वगैरह बनाते हैं, इस तरह से घास फूस से ढकी छत के नीचे रहता था. और मोटे ठूठ यानी लकड़ी के जो बड़े बड़े लट्ठे होते हैं ना, उनको वो गाड़ करके जमीन में और तब उसके ऊपर वो टिका रखती थी जो छत से थी, वो फूस की बनी हुई थी. ठीक है. जब भी कैरी अगर इधर उधर घूमता था तो वो उनसे टकरा ना जाए, इसके लिए उनको मजबूती से गाड़ा हुआ था ज़मीन में. ठीक है. तभी वो गिरे नहीं, उससे अगर कैरी टकराए तो गिरे नहीं. आगे क्या होता है कि वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कैरी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. यानी कि कैरी ने काम क्या किया कि उसने एक लड़के का जीवन बचाया था. कैरी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवर द लेस नीडिड 40 पाउंड्स ऑफ ट्विक्स अ डे टू चीव एंड प्ले विद. यानी कि ज़्यादा नहीं खाता था कैरी, लेकिन उसको क्या चाहिए, चबाने के लिए और खेलने के लिए 40 पाउंड टहनियों की जरूरत होती थी. ठीक है. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. प्रतिदिन मैं उसे स्नान कराने के लिए जो है रिवर के तट पर ले जाता, यानी कि रिवर के पास ले जाता. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर्स फॉर एन आवर. यानी कि वो जब वहाँ पर नदी के किनारे पर वो लेट जाता हाथी कब जो बच्चा था वो, और मैं उसको क्लीन सैंड से यानी कि साफ साफ रेत से उसको मलता नहलाता. ठीक है. और ये जो है सैंड ऑफ द रिवर्स फॉर एन आवर, यानी कि उसको क्या करता कि मैं रेत से उसको नहलाता. और उसके बाद में क्या होता, मतलब 1 घंटे तक उसे नदी की साफ रेत से रगड़ रगड़ करके नहलाता. उसके बाद क्या होता है कि वह जो है वाइल आई रब्ड हिम विद क्लीन सैंड ऑफ द रिवर्स फॉर एन आवर, आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर. उसके बाद क्या होता है कि वह पानी के अंदर चला जाता. ठीक है. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी. उसकी जो स्किन है वो किसकी तरह चमकती, आबनूस की तरह चमकती थी. एंड ही वुड, एबोनी मतलब आबनूस, एंड ही वुड विद प्लेजर एज आई रब वाटर डाउन. यानी कि वो बहुत ही खुश होता जब मैं उसके पीठ पर पानी मलता. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, तब मैं उसको कान से पकड़ता. बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लेड एन एलिफेंट. यानी कि किसी भी हाथी को काबू में करना सबसे आसान काम है कि उसे कान से पकड़ा जाए. ठीक है. एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल्स, और उसके जंगल के किनारे उसको छोड़ देता. वाइल आई वेंट टू द फॉरेस्ट, वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूशियस ट्रिक्स फॉर डिनर. ल्यूशियस मतलब स्वादिष्ट टहनियाँ. और फिर मैं क्या करता, उसकी रात्रि के भोजन के लिए स्वादिष्ट टहनियाँ लेने के लिए जंगल में चला जाता. वन हैज़ टू हैव अ शार्प हैसेट टू कट डाउन दीज थिंग्स दीज ट्रिक्स. यानी कि हैसेट मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी, पैनी कुल्हाड़ी जो है ना, शार्प हैसेट. यानी कि उसको क्या करना चाहिए, मतलब जो जो टहनियाँ काटने के लिए उसको क्या चाहिए कि पैनी कुल्हाड़ी की जरूरत होती है. ठीक है. इट टेक्स हाफ एन आवर्स टू शार्पन द हैसेट बिकॉज इफ ट्रिक्स इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट. यानी कि जो है कुल्हाड़ी को पैना करने में 1/2 घंटा लगता था, क्योंकि यदि किसी भी टहनी को अगर सही तरीके से नहीं काटा जाए, अव्यवस्थित ढंग से अगर वो काट दें तो हाथी उसको बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, उसको स्पर्श भी नहीं करेगा, खाएगा भी नहीं. ठीक है. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्रिक्स एंड सैपलिंग फॉर कैरीज. ये बहुत ही आसान काम नहीं था जो मतलब कैरी के लिए टहनियाँ इकट्ठा करना या उसकी कोपली इकट्ठा करना. ठीक है. आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डेलीकेट एंड टेंडर ट्रिक्स. यानी कि मैं हर प्रकार के पेड़ के ऊपर चढ़ता और बरगद की जो पेड़ की शाखाएँ होती है ना, उनको भी, उनको खाने का वो बहुत ही शौकीन था, कौन, कैरी. ठीक है.
क्योंकि वो एकदम बनियान ट्री की ग्रो लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स, जैसे जो गिरजाघर की तरह ही वो बढ़ती हुई दिखाई देती थी ऐसे, जैसे ऊपर की तरफ। एंड ब्रांचेस आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च व्हेन आई सडनली हर्ड कैरी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस। मार्च के माह में, देखिए मार्च माह में जो बसंत के एक दिन में क्या हुआ कि जब मैं उनको इकट्ठा कर रहा था ट्विग्स को, तो अचानक से उसको क्या हुआ, मैंने आई सडनली हर्ड कैरी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, अचानक से उसको कैरी की आवाज़ सुनाई देती है। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, यानी कि वो बच्चे की तरह लग रहा था, जैसे कोई बच्चा करता है ना ऐसे। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट, यानी कि हाथी की बजाय एक बच्चे के जैसे उसकी आवाज़ उसको आवाज़ लग रही थी, ठीक है। और आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, मैं सोच रहा था कि किसी ने उसको कष्ट पहुंचाया है, हर्टिंग हिम। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रेन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, यानी कि मैं जल्दी से पेड़ से उतरा और बहुत तेज़ी से गया कि जंगल के जो किनारे पर मैं उसको छोड़ कर आया था वहाँ पर। बट ही वॉज नॉट देयर, परंतु वो वहाँ पर नहीं था। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, यानी कि मैं पानी के किनारे के समीप गया। एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, मैंने किसी काली चीज़ को सतह पर जो संघर्ष करते हुए पाया। देन इट रोज हाइयर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, तब ये ऊपर की ओर जब उठी ना तब क्या लगा कि ये मेरे हाथी की सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, मैंने सोचा कि वह डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर, यानी कि मैं बहुत ही ऐसा ही महसूस कर रहा था क्योंकि मैं पानी में नहीं कूद सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, यानी कि वह 400 वजन पौंड का जो वजनी जो हाथी था ना, 400 पौंड वजनी हाथी को मैं नहीं बचा सकता था, ठीक है। इसलिए मैं क्योंकि वो तो बहुत ही ऊंचा ऊंचा था, ठीक है। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आईज, यानी कि जैसे ही वो पानी से ऊपर आया तो क्या दिखा कि उसने मेरी आँखों से, मतलब मेरी नज़रों से उसकी नज़रें जब मिली तो क्या हुआ कि ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, यानी कि उसने चिंगारना शुरू किया और तट पर आने के लिए संघर्ष किया, ठीक है। देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुश्ड मी इन टू द वाटर एंड एज आई फेल इन टू द स्ट्रीम आई सॉ अ बेबी लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, यानी कि मैंने वहाँ पर उस टाइम क्या देखा, जब वो हाथी चिंगाड़ते हुए पानी में उसने धकेल लिया, ठीक है। उसने क्या किया कि जब ऊपर आया और उसने क्या देखा, मुझे देखा और उसने मुझे पानी में धकेल लिया। जैसे ही क्या हुआ कि जैसे मैं पानी के अंदर गया तो मैंने एक लड़के को नदी के तले में, तलहटी में जो होता ना तली, उसमें वो लड़के को देखा। लेकिन वो क्या था, आई फेल्ट इन टू द स्ट्रीम आई सॉ अ बॉय लाइंग इन फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर्स ही हैड नॉट ऑल्टोगेदर टच बॉटम बट वॉज समवॉट अफ्लॉट, यानी कि वो पूरी तरह से तलहटी पर लगा हुआ नहीं था, यानी कि तलहटी पर नहीं पहुंचा था, बल्कि वो क्या कर रहा था, फ्लॉट तैर रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ एंड देयर कैरिंग वॉज स्टैंडिंग, यानी कि मैं क्या कर सकता था कि मैं सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आया और क्या देखा कि कैरी वहाँ पर खड़ा था, ठीक है। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक्स एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर मी फोर माइन, यानी कि जब उसके पैर जो है वहाँ पर धसे हुए थे रेत में, ठीक है, तो उसको वो जो कैरी की जो सूंड है ना, सूंड वो उसकी तरफ फैली हुई थी, ठीक है। जैसे क्या कर रहा है, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो, ठीक है। फिर क्या किया कि आई डाइव अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सर्फेस बट नॉट बींग अ गुड स्विमर, यानी कि फिर मैंने गोता लगाया और उसकी बॉडी को ऊपर खींचने की कोशिश की सरफेस पर लाने के लिए, किसकी, उस बच्चे की। नॉट बींग अ गुड स्विमर, मैं अच्छा तैराक नहीं था, आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी डैगिंग मी डाउन, यानी कि मैं अच्छा तैराक नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश की तट पर आने के लिए, क्योंकि जो धीरे धीरे जो बहने वाली जो धाराएं थी वो मुझे अभी भी नीचे की तरफ खींचे जा रही थी। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, यानी कि क्या हुआ कि जो करंट धारा है ना वो जिस तरह से बह रही थी, तो कैरी हु वॉज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक। अब जैसे देखिए मैं ऊपर की तरफ जब आ रहा हूँ, जो धारा बह रही थी ना उसको देख करके कैरी ने क्या किया कि धीमे धीमे से वो भारी जो भारकम शरीर था ना, अचानक से वो क्या किया कि हु वॉज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक। अब वो अचानक से झपटा, जैसे बाहर झपटता है ना इस तरह से, मतलब क्यों, क्योंकि जब मैं उस लड़के को ऊपर की तरफ ला रहा था तो धारा क्या कर रही थी, मुझे नीचे की तरफ खींचे जा रही थी, तो अचानक से जब कैरी जब देखता है ना, उसको ध्यान था उसका कि वो बार बार सूंड को फैला रहा था, तो कैरी ने क्या किया कि उसने अचानक से एक बाज की तरह झपटा एंड केम हाफ वे इन टू द वाटर वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन। और जब जैसे मैं पानी में आधा आया तो उसने क्या किया,
अपना मतलब सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, कैरी हुआ यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक एंड केम हाफ वे इन टू द वाटर वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन। आई रेज्ड अप माई हैंड्स टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड। यानी कि जब धारा को बहते हुए देख करके, मतलब जैसे धारा बह रही थी और उसमें हम दोनों बह रहे थे, ऊपर की तरफ आ रहे थे क्योंकि धारा खींच रही थी नीचे की तरफ, तो जो हाथी है ना अचानक से बाज की तरफ झपटता है और पानी में आधी दूर तक आ गया है, ठीक है। और दोबारा से उसको सूंड फैलाए मैंने देखा और क्या किया कि वो ऐसा चाह रहा था कि भाई ये क्या करे कि अपने हाथ से उसे पकड़ ले ताकि वो फिसल ना पाए, ठीक है। लेकिन जब इसने क्या किया कि जब वो सूंड फैलाई उसने, तो जो राइटर है ना उसने क्या किया, उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन फिर से वो फिसल गए, ठीक है। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मैंने अपने आप को दोबारा पानी के नीचे नीचे की ओर जाते हुए पाया। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर। आई डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉयज विथ। और उस टाइम क्या होता है कि जब वो नीचे की तरफ जाते हुए उसने पाया, तो इस बार क्या देखा कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, उसने अंदाज़ा ले लिया, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, नदी के तल तक डूबने दिया, यानी कि तल तक चला गया मैं, और फिर क्या किया अपने पैरों को फोल्ड कर लिया मैंने, मोड़ लिया, और अचानक से प्रेशर से धक्का दे करके और तीर की भांति मैं ऊपर की तरफ आ गया। वास्तविकता क्या थी कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बाय विद माई हैंड्स, यानी कि मैंने जो डूबते हुए बच्चे को भी तो अपने हाथ में पकड़ रखा था ना, इसलिए मैंने क्या किया जोर लगाया। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरा शरीर जो पानी के ऊपर आया, आई फेल्ट अ लासो अराउंड माई नेक, यानी कि मैंने एक रस्सी का फंदा सा लासो ना फंदा रस्सी का फंदा अपने गले में पाया। दिस फ्राइटेंड मी, उसने मुझे भयभीत कर दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मैंने सोचा कि कोई जो पानी का जो जानवर है वो मुझे निगलने की कोशिश कर रहा है। आई हर्ड कैरी स्क्वीलिंग, मैंने जो कैरी की जो चीख सुनी थी, ठीक है। आई हर्ड कैरी स्क्वीलिंग एंड आई नीव इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, फिर मैंने क्या सुना कि कैरी की जो चीख सुनी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जो ट्रंक है ना वो मेरी गर्दन को पकड़ रही है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, यानी कि तट पर लाने की कोशिश कर रही है, हम दोनों को किनारे पर खींच करके खींच लिया, ठीक है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, हम दोनों किनारे की तरफ। कैरी वॉज लाइक अ बेबी, कैरी क्या है एक बच्चे के समान था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम वेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, यानी कि कैरी बच्चे के समान था, उसे अच्छा बनाने के लिए उसको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता थी। वह शरारत करता तो उसे अगर नहीं डांटा जाए तो और ज़्यादा उपद्रव करना शुरू कर देगा। फॉर इंस्टेंट वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू इट, उदाहरण के लिए क्या देखते हैं, इंस्टेंट मतलब एग्जाम्पल के तौर पर क्या देखते हैं कि एक दिन क्या होता है कि समबडी गेव हिम सम बनाना टू इट, एक दिन किसी ने उसको खाने के लिए कुछ केले दिए, ठीक है। वेरी सून ही डेवलप अ ग्रेट लव फॉर राइट बनाना, जल्दी ही उसे पके हुए केलों के प्रति उसका प्रेम विकसित हो गया, ठीक है। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स टू फ्रूट ऑन टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम, हम क्या करते थे कि जो डाइनिंग रूम है यानी कि जो भोजन कक्ष है उस पर विंडो के पास में जो है फ्रूट्स की प्लेट रखते थे, ठीक है। मंडे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपीयर एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, एक दिन क्या होता है कि सारे के सारे बनाना है डिसअपीयर हो जाती है यानी कि अदृश्य हो जाती है। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, और मेरी फैमिली है जो है वो क्या करती है कि ब्लेम करती है किसको, सर्वेंट्स को, यानी कि जो नौकर होते हैं ना उनको ब्लेम करती है कि भाई आप लोगों ने ये सब कुछ खाया है। आ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद क्या होता है, द फ्रूट डिसअपीयर अगेन, कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो फ्रूट है फिर से दोबारा से डिसअपीयर होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, उस टाइम क्या होता है कि ब्लेम मेरे ऊपर आता है, उस टाइम ब्लेम क्या होता है कि ब्लेम कैसे आता है मेरे ऊपर कि फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपीयर, दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी एंड आई नीव आई हैड नॉट डन इट, इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, यानी कि इसे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर और जो सर्वेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत गुस्सा होता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि उन्होंने किया है। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपीयर आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप कैरी पवेलियंस, यानी कि अगले दिन जब क्या होता है कि अगले नेक्स्ट टाइम यानी कि अगली बार क्या होता है कि जब जो फ्रूट्स हैं जो डिसअपीयर होते हैं तो उसने क्या पाया कि आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप कैरी पवेलियंस, यानी कि उसने जो है देखा कि जो कैरी का जो पंडाल था ना उसमें बनाना स्मैश हुए दबे हुए थे, कुचले हुए गिरे हुए थे। दिस सरप्राइज मी वेरी मच,
इससे मुझे बहुत हैरानी हुई, फॉर आई हैव नेवर सीन फ्रूट देयर एंड आई एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्रीज, यानी कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि फ्रूट्स वहाँ पर, और आप जानते ही हो कि भाई वो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्रीज, वो हमेशा टहनियों पर ही डिपेंड करता था, मतलब हमेशा टहनियाँ खाता था। ठीक, नेक्स्ट डे व्हाइल आई वाज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल, एक दिन मैंने क्या सोचा कि मैं जब डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, यानी कि भोजन कक्ष में बैठा हुआ था, तब मैंने सोचा कि कुछ फ्रूट्स मतलब कि खा लिए जाएँ, यानी कि विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, यानी कि बिना मेरे माता पिता की अनुमति के। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग्स वेरी मच लाइक अ स्नेक सडनली केम थ्रू द विंडो द डिसअपियर विद ऑल द बनाना, तभी मैंने क्या देखा कि लंबी सी काली सी चीज़ जो है एक सांप की तरह विंडो के अंदर से एंटर हुई और सारे के सारे बनाना डिसअपियर हो गए। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानाज, यानी कि मैं बहुत भयभीत था क्योंकि मैंने कभी भी सांप को बनाना खाते नहीं देखा। आई थॉट इट मस्ट बी टेरिबल स्नेक्स दैट वुड स्नेक्स इन एंड टेक फ्रूट्स, यानी कि तो बहुत ही भयानक था जो सारे के सारे फल खा लेगा। आई क्रैप्ड आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर्स इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस फीलिंग श्योर दैट द स्नेक्स वुड कम बैक इन टू द हाउस ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑफ अस ऑल ऑफ अस, यानी कि क्या देखा कि मैं रेंगते हुए जब बाहर आया, दौड़ करके घर से बाहर आया, मुझे महसूस हुआ कि जो सांप ये आएगा अंदर और वापस से और फिर क्या करेगा, सारे सारे फल खा लेगा और हमें भी खा जाएगा। एज आई वेंट आउट आई सॉ कैरियज बैक डिसअपीयरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेवेलियन एंड आई वाज सो फ्राइटेंड दैट आई वांटेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, यानी कि जैसे ही मैं बाहर आया तो क्या हुआ कि मैंने देखा कि जो कैरी की जो पीठ है वो डिसअपियर होती हुई मैंने देखी। ठीक है, एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं भयभीत हो गया, दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चेयर मी अप, और मैं चाहता था कि उसकी कंपनी मुझे चाहिए, यानी कि उसका साथ मुझे चाहिए ताकि मैं अपने आप को खुश कर सकूँ। आई रन आफ्टर हिम इन टू द पेवेलियन एंड मैं उसके तरफ जो है उसके पीछे पेवेलियन पंडाल में गया एंड आई फाउंड हिम डियर ईटिंग बनाना, मैंने उसको वहाँ पर बनाना खाते हुए देखा। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं बहुत ही वहाँ खड़ा खड़ा अचंभित रह गया। ठीक है, और क्या होता है द बनाना वर लाइंग स्ट्रीम ऑल अराउंड हिम, और बनाना वहाँ पर पंडाल में चारों तरफ पड़े हुए थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, यानी कि अब वो क्या कर रहा है कि जो कैरी है वो एक बनाने की तरफ अपने सूंड को लंबा सा करके और उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक, यानी कि जब वो लंबी सूंड करके और वो जो केले को उठाने की कोशिश कर रहा है तब उसको वो जो गर्दन ना उसकी जो सूंड है वो कैसी दिखाई दे रही थी, एक लंबे काले स्नेक की तरह दिखाई दे रही थी। एंड आई रियलाइज दैट कैरी वॉज अ थीफ, अब उसे मतलब रियलाइज हो गया, महसूस हो गया कि जो कैरी है वही चोर है। आई वेंट टू हिम, मैं उसकी तरफ गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर्स एंड उसके कान से पकड़ा एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज कैरी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दीज मेनी वीक्स, यानी कि कैरी ही है जिसने ये फ्रूट्स खाए हैं। अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए मैं उसको कान से पकड़ करके लेकर गया और दिखाया कि ये जो कैरी है इसी ने फ्रूट्स खाए हैं। That carry and not I that had eaten all the fruits these many weeks, कई सप्ताह से ये खा रहा है मैंने नहीं लिए। Then I scolded him, मैंने उसको डांटा, for elephants understood words as well as children's, यानी कि मैंने उसको elephant को यानी कि हाथी को समझाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, यानी कि डांटने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे बच्चों को समझाते शब्दों से बोल करके। एंड आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा कि नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स, मैंने अगली बार अगर आपको फ्रूट्स चुराते हुए देखा यू विल बी व्हिप्ड, आपको कूड़े पड़ेंगे। ही नीव दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, हम सब आपके ऊपर नाराज हो गए हैं। ठीक है, मुझे सबको गुस्सा आ रहा था, मैं जानता था कि सभी मेरे से नाराज हैं, इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि नौकर भी, मतलब कैरी को समझ में आ गया कि अभी सभी तेरे पर नाराज हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल एनदर थिंग्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, अब उसका तो जो उसको तो बड़ा बुरा लगा जब सभी उसके ऊपर नाराज हो गए, तो उसने क्या किया कि कभी भी जो है भोजन कक्ष से कोई चीज़ नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबॉडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्विड एज इफ टू थैंक्स देम, यानी कि जब कोई भी उसको अगर केला देता, कोई फ्रूट देता, तो वह उसके चीख करके उसका स्वागत करता। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, देखिए जो हाथी होता है ना, जब उसने अगर कुछ गलत किया होता है तो वो पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो जाता है। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, अगर आपने बिना किसी रीजन के अगर उसको पनिश किया है तो क्या होगा, ही विल रिमेंबर इट, वह उसको याद रखेगा एंड पे यू बैक इन योर ऑन फाइन, यानी कि वह फिर उसको उसी तरह से सजा देता है। एंड मस्ट बी टोल्ड व्हेन टू सिट, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो, यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड, यानी कि एक हाथी को क्या सिखाया जाना चाहिए, ज़रूर सिखाया जाना चाहिए कि कब बैठना है, कब उठना है, कब चलना है, कब धीमे चलना है, कब तेज चलना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए।
आप उसे एक चीज़ें बच्चे की तरह सिखाती हैं, ठीक है। इफ़ यू से धत, अगर आप धत कहते हैं एंड पुट हिम बाई द ईयर्स, उसे कान से खींचते हैं, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, वह क्या सीख जाएगा, नीचे धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, अगर आप उसे माली कहेंगे और सूंड से आगे की तरफ खींचोगे तो धीरे धीरे वो सीख जाएगा कि चलने का संकेत है। कैरी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन, बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। कैरी एक जो है 3 पाठों के बाद में माली संकेत को समझ गया था, ठीक है। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन धत को समझने में उसे 3 हफ्ता वीक लगे, ठीक है। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, बैठने में बहुत निपुण नहीं था, ठीक है। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, क्या आप जानते हैं कि उसको बैठना क्यों सिखाया जाना चाहिए। बिकॉज ही ग्रो टॉलर एंड टॉलर देन यू, हु टेक केयर ऑफ हिम सो दैट वेन ही इज 2 और 3 ईयर्स ओल्ड, यानी कि देखिए जब वो क्योंकि आप उसके जब आप उसकी देखभाल करती हैं तो ऊँचा ही ऊँचा होता चला जाता है, और इस प्रकार 2 या 3 साल की जब हम बात करें तो आप उसकी पीठ पर पहुँचने के लिए, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद द लैडर, तो उसकी पीठ तक पहुँचने के लिए आपको सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाई सेइंग धत, इसलिए आपको उसको सिखाना चाहिए कि धत मतलब सिखाना चाहिए ताकि वो बैठना सीख जाए, ठीक है। सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक फॉर हु वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम्स, क्योंकि अगर आपको उसके ऊपर बैठना है, उसकी पीठ पर चढ़ना है, तो आप हमेशा उस अपने साथ सीढ़ी को लेकर के नहीं रख सकते, या सीढ़ी को हमेशा अपने साथ रखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल, इसके लिए ज़रूरी है और क्या बताया, डिफ़िकल्ट थिंग्स टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल, यानी कि सबसे मुश्किल काम है कि मास्टर कॉल सिखाना हाथी को, ठीक है। हाथी को मास्टर कॉल सिखाना सबसे मुश्किल काम है, और जो है ही जनरली टेक्स 5 ईयर्स टू लर्न इट प्रॉपरली, और उसको सही तरीके से सीखने के लिए 5 साल का समय लगता है। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिशिंग हॉलिंग साउंड्स एज इफ अ स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर्स, यानी कि जो मास्टर कॉल है एक हिसिंग साउंड है, यानी कि मास्टर कॉल एक अजीब सी फुकार है, हल्की सी चीख है, ठीक है। हाउलिंग साउंड्स यानी कि हल्की सी चीख है, एज इफ अ स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, ऐसा लगता है कि जैसे सांप और जो शेर है ना वो जैसे आपस में एक दूसरे से लड़ रही हूँ, ठीक है। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर्स, एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर्स, यानी कि उसको क्या करना चाहिए कि उसको वैसी उसके आप क्या करेंगी, आपको उसके कान में उसी तरह की आवाज़ करनी होती है सिखाने के लिए, ठीक है। और इफ़ यू आर लॉस्ट सॉरी एंड डू यू नो वट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू वैन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, क्या आप जानते हैं कि जब कोई एलिफेंट जो है उसको आप मास्टर कॉल देते हैं, मास्टर कॉल करने पर हाथी क्या करता है, ठीक है। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप जंगल में गुम हो जाते हैं, एंड देयर इज़ नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनी वेयर, यानी कि जब आप जंगल में कहीं गुम हो जाते हैं, वहाँ पर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो हर एक चीज़ काली दिखाई देती है तारों को छोड़ करके, तो आप क्या करेंगे, यू डेयर नॉट स्टे, यानी कि आप वहाँ पर रुकने की हिम्मत नहीं कर सकते ज़्यादा समय के लिए। तो द ओनली थिंग्स टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल, एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, यानी कि तब एक ही चीज़ आपके पास होती है, मास्टर कॉल, ठीक है। एलिफेंट्स क्या करेगा, मास्टर कॉल को सुन करके पेड़ को नीचे खींचेगा, और जब जैसे ही वो तना से पेड़ टूट कर नीचे गिरेगा तो क्या होगा, दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, यानी कि उससे क्या होगा कि सारे जो जानवर है वो भयभीत हो जाएंगे। एज अ ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे ही वो साउंड करता हुआ जब ट्री नीचे गिरेगा तो क्या होगा, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप्स एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, इससे क्या होगा कि जब मंकी हैं जो पेड़ों पर क्या करते हैं कि जो मंकी सोए होते हैं ना वो क्या करेंगे, इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, ठीक है, अपनी नींद से जा करके एक टहनी से दूसरे टहनी पर भागते हैं। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, यानी कि आप उन्हें चंद्रमा की रोशनी में देख सकते हैं, एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्ट्रेंज रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, और क्या करें कि जो यू कैन ऑलमोस्ट सी दैट स्टैग मतलब हिरन मृग होते हैं ना मृग, ठीक है, और आप जो है मृगों को भी लगभग उसी दिशा में भागते हुए देखोगे, इवन ही इज़ फ्राइटेंड, यानी कि यहाँ तक कि वो भी भयभीत होंगे, ठीक है।
देन द एलिफेंट्स पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट, तब अगली ट्री को खींचेगा ऐसे ही हाथी और दूसरी और अगली को. सून यू विल फाइंड दैट ही हैज मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस. इस तरह से क्या होगा कि एक रास्ता तैयार कर देगा आपके लिए, और हाथी एक के बाद एक जैसे पेड़ को खींचता है, जल्दी आपको क्या लगेगा कि जंगल के बीचों बीच आपके लिए आपके घर तक रास्ता बना दिया है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.